बनारस में एक कहावत है कि सांप की पूंछ से गाल नहीं खिंचवाते। तेरे इश्क की ऐसी धुन सवार है। मुझे लगता है कि हमें अपने रिश्ते को एक मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाना होगा, एक नई पहचान देनी होगी। हम आपके द कन्वर्सन मूवी को लेकर मचा बहुत बड़ा धमाल, क्योंकि दोस्तों हमने देखा था कि द कश्मीर फाइल्स मूवी में किस तरह से हिंदू और मुसलमान धर्मों के बीच को लेकर ये फिल्म बनाया गया था, जिसको लेकर बहुत ही बड़ा धमाल मचा था। तो उसी फिल्म का एक दूसरा पार्ट जिसे हम कह सकते हैं, और उस फिल्म का नाम है द कन्वर्सन। जी हाँ दोस्तों, द कन्वर्सन एक ऐसी मूवी है जिसमें हिंदू और मुसलमान धर्म के बीच में हुई मोहब्बत को लेकर ये फिल्म बनाया गया है। जो कि इस फिल्म में एक्टरों के नाम मैं बता दूं कि विंध्या तिवारी जो कि एक हिंदू धर्म से होती है, प्रतीक शुक्ला जो कि एक मुसलमान धर्म से होते हैं। तो इन दोनों में फिर से हिंदू और मुसलमान में हुए प्यार को लेकर ये फिल्म को बनाया गया है कि हिंदू लड़के लड़कियां मुसलमान लड़के लड़कियों से प्यार नहीं कर सकते, तो इसी को लेकर ये फिल्म बनाया गया है। जो फिल्म काफ़ी ज़्यादा धमाल मचने वाली है। द कश्मीर फाइल्स के बाद इस फिल्म की काफ़ी चर्चा हो रही है लोगों में, इसके फैंस काफ़ी उत्साहित हैं इस फिल्म को देखने के लिए। विंध्या तिवारी एक हिंदू धर्म से होती है, जिसे प्रतीक शुक्ला जो कि एक मुसलमान धर्म से होते हैं। ये फिल्म लव जिहाद को लेकर बनाया गया है। तो प्रतीक शुक्ला जो कि एक मुसलमान धर्म से होते हैं, विंध्या तिवारी से जो प्यार करने का नाटक करते हैं और उन्हें मुसलमान बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिल्म काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और रोमांटिक होने वाली है, वॉर मूवी। तो ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली है। इस फिल्म में ये दिखाया गया है कि हिंदू धर्म मुसलमान धर्म से प्यार नहीं कर सकते, अगर ऐसा होता है तो काफ़ी बड़ा धमाल मच जाएगा फिल्म में। तो फिल्म बहुत ही ज़्यादा कमेंट बनाने वाली है लोगों में। तो आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म को देखने के लिए, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि दोस्तों ये फिल्म एक ऐसी फिल्म होने जा रही है कि जो द कश्मीर फाइल्स को भी पीछे छोड़ सकती है, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा लोग प्यार के मामले में पढ़ते जा रहे हैं। तो उसी को लेकर ये फिल्म बनाया गया है, जिसमें विंध्या तिवारी एक हिंदू धर्म से होती है, जिसे एक मुस्लिम धर्म के लड़के प्रतीक शुक्ला जो कि काफ़ी मुसलमान धर्म को लेकर नफरत पैदा होती है, उसे किस तरह से हटाया जाए वही इस फिल्म में दिखाया जाएगा। तो फिल्म काफ़ी मोटिवेशनल मूवी होने वाली है, और इसके साथ साथ इस फिल्म में मनोज जोशी भी नज़र आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसे आपने कई फिल्मों में विलन का किरदार करते हुए और कॉमेडी करते हुए देखा होगा, तो मनोज जोशी भी इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं। और उसके अलावा और भी कई एक्टर इस फिल्म में मौजूद है, जो कि अपने किरदार से फिल्म को काफ़ी ज़्यादा हिट करते हैं। इस फिल्म में सबसे खास बात यह है कि मेन लीड रोल के रूप में विंध्या तिवारी नज़र आने वाली है, जो कि एक्टर हैं जो इस फिल्म में नज़र आएंगे। तो ये सब और इसके अलावा और भी कई एक्टर इस फिल्म में नज़र आने वाले हैं, जो फिल्म काफ़ी ज़्यादा हिट होने वाली है। इस फिल्म की रिलीज डेट मैं आपको बता दूँ कि ये फिल्म 6 मई 2022 को बड़े पर्दे पर रिलीज की जाएगी। द कश्मीर फाइल्स के बाद दूसरी ये मूवी होने वाली है जो कि काफ़ी ज़्यादा धमाल मचाने वाली है बॉक्स ऑफिस पर। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से द कश्मीर फाइल्स मूवी ने आते ही पर्दे पर काफ़ी ज़्यादा कमाल मचा दिया था और लोगों में काफ़ी ज़्यादा एक दिल में नफरत पैदा कर दिया था, तो मुझे लगता है कि कहीं इस फिल्म में भी इसी तरह ना हो जाए, क्योंकि ये भी फिल्म एक हिंदू और मुसलमान धर्म में लव जिहाद को लेकर बनाया गया है। तो सेम इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे हर आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके।